रांची में लंबे अरसे के बाद एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन पटना रीजनल के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान यूनियन के नेताओं ने संगठन को धारदार बनाने पर चर्चा की गई। वहीं संगठन ने कहा है कि हम सरकार का सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी समस्या पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। और देखें, राजधानी रांची में रविवार को एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन पटना रीजनल की बैठक हुई। इस बैठक में संगठन के नेताओं ने अपनी रणनीति और कर्मचारी हित में लिए जाने फैसलों से अवगत कराया। एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन पटना रीजनल में बिहार और झारखंड के सभी कर्मचारी शामिल हैं। आज हुई स्टाफ एसोसिएशन की बैठक में अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी मांगों से भी केंद्र को सतर्क किया। वर्किंग परिवेश में जो अभी जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, हमको समय के हिसाब से चलना है, बैंकिंग के तरीके को बदलना है, तो उसके साथ हम लोग चल रहे हैं। लेकिन हम तो चल रहे हैं, लेकिन बैंक की प्रबंधन की ओर से भी हमको जो सहयोग मिलना चाहिए, जो हमारे लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं, जो हमारे सर्कुलर से, हम तो वही तो कहते हैं, हम एक्स्ट्रा कहाँ कुछ कहते हैं। स्टेट में नए लोग जो भी बहाली हुए हैं तो उनको पेंशन नहीं है, तो जो अभी बहुत सारे सरकार में देख रहे होंगे, झारखंड सरकार में भी पेंशन शुरू हो गई है, तो हमारे यहाँ फिर से वही डिमांड की जा रही है कि नए लोगों को भी पुरानी पेंशन नीति के तहत लाया जाए, ताकि वो लोग भी अपने आगे फ्यूचर को सुरक्षित रख सके। एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन पटना रीजनल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में बिहार से कर्मचारी और अधिकारी रांची आए थे। इस बार संगठन की महासचिव पद की जिम्मेदारी राजू कुमार सिंह को दी गई है, जो पटना के हैं, जबकि अध्यक्ष मुन्ना कुमार झा देवघर के रहने वाले हैं। संगठन के नेताओं ने कहा कि इससे पहले की कमेटी ने संगठन को वह गति नहीं दी थी जिसका संगठन आधार है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल विधायक सरयू राय ने कहा कि बैंक अधिकारियों को मौजूदा वक्त में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जिम्मेवारियों से तो हम ही लोगों को निपटना है, और इस निपटने के लिए हम लोगों को बात से हम शुरुआत करते हैं, बात से नहीं होता तो फिर आंदोलन तक जाते हैं, आंदोलन पे जाके कहीं ना कहीं तो जाकर फिर लास्टली हम लोग टेबल पे ही बैठ के इसका निदान करते हैं। बैंक का जो काम है, बैंक वह काम करता है, इसलिए केवल कोई लोन अगर बैड लोन हो जाता है तो उसके भी उपाय हैं और सारी व्यवस्था का अंग है, इसलिए बैंक को इसलिए लेंडिंग कम कर देनी चाहिए कि कहीं एनपीए ना हो जाए। कर्मचारियों और अधिकारियों को चिंता अपने हित को लेकर थी, साथ ही उन्होंने अपने उस जिम्मेदारी का भी एहसास किया जिसकी वजह से एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक बना है। भारत का सबसे बड़ा बैंक, भारत सरकार की पूंजी का रखवाला, लेकिन एसबीआई के कर्मचारियों को अपना ही भविष्य अंधकारमय लग रहा है। पुरानी पेंशन की रकम इतनी कम कि गुजारा नहीं हो पाता, और 2010 के बाद से तो पेंशन ही बंद है, लिहाजा नए संगठन ने आने वाले दिनों में नए संघर्षों के साथ अपने आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की बात कही है। कैमरा रिंकू हुसैन के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।